ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे 11 तस्वीरें जिन्हें लगाने से सुख समृद्धि काम और शारीरिक संबंधों में वृद्धि आती है। 11 तस्वीर देखिए, राजा भोज काल में वर्णित कुछ विशिष्ट ग्रंथ जैसे विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, राजबल्लभ, विश्वकर्मीय शिल्प, वृद्धास्तुमाला, इन जैसी ग्रंथ वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन पुस्तकों में वास्तु दोष के उपचार के लिए चित्रों के उपयोग का वर्णन है। यह जानना बहुत जरूरी है कि जीवन में शांति, सौभाग्य, समृद्धि, लाभ और खुशहाली के किस तरह के चित्र लगाएं। यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि किस तरह के चित्र घर में नहीं लगाएं। आपके घर में यदि गृह कलह ज्यादा होता है या सदा वैचारिक मतभेद रहते हैं तो आप घर में ऐसा चित्र लगाएं जिसमें सभी व्यक्ति प्रसन्न हो। इस फोटो को अतिथि कक्ष में लगा दीजिए, यहाँ पर सबों की नज़र आते जाते पड़ती रहेगी। कुछ दिनों में आपको इसका अच्छा प्रभाव दिखने लगेगा। यदि आप अपने घर के सदस्यों का फोटो लगाना चाहते हैं तो घर के दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में ऐसा चित्र लगाएं जिसमें परिवार के सभी सदस्य हंसते मुस्कुराते और प्रसन्नचित्त हों। आपके घर का माहौल बदलता शुरू हो जाएगा और खुशहाल होने लगेगा। यदि पति और पत्नी में तनाव रहता हो या किसी कारण से प्यार का संबंध नहीं बन पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र लगाएं। यदि आप राधा कृष्ण का फोटो नहीं लगा सकते हैं तो हंसों का प्यार मग्न जोड़े का मन को लुभाने वाला चित्र लगाएं। बांसुरी, हिमालय या शंख में से किसी एक का चित्र लगाएं। यदि बेडरूम आग्नेय कोण दिशा में हो, अग्नि कोण मतलब दक्षिण और पूर्व दिशा में हो, तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाएं। बेडरूम के अंदर ऐसे फोटो नहीं लगाएं जिसमें पानी हो, क्योंकि पानी वाला कोई भी चित्र पति पत्नी का संबंध और किसी के साथ होने की ओर इशारा करता है। समुद्र में उठती लहरें वाले फोटो मानसिक शांति को बढ़ाता है। इसे पति पत्नी के संबंधों पर भी प्रतिकूल और उल्टा असर पड़ता है। जिन्हें संतान नहीं हो रहा हो या जो पति पत्नी संतान की पुनः इच्छा रखते हो उन्हें अपने बेडरूम में श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगानी चाहिए। श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाने से आपको संतान सुख के साथ साथ आपका बच्चा श्री कृष्ण जैसा गुणवान भी होगा। गणेश जी का फोटो घर के द्वार के ऊपरी भाग की ओर लगाएं। दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें और द्वार पर बंदरवार लगाएं जिसमें बेल बूटे, नक्काशी या सुंदर चित्र बने हों। घर के द्वार के बाहर किसी गुरु या अन्य देवी देवता का फोटो नहीं लगाएं, केवल गणेश जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर ही लगाएं। पंचमुखी हनुमान का आप लगा सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।